हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट फैक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है एक ब्लूटूथ किट का अनबॉक्सिंग, जिससे ब्लूटूथ किट में सारा चीज़ फंक्शन दिया हुआ है। सिर्फ इसमें एक फंक्शन नहीं है, अगर वही फंक्शन वाले ब्लूटूथ किट भी मार्केट में इजीली आई नहीं है, अगर आ जाएगी तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा फ्रेंड। फिलहाल यहाँ पर जो ब्लूटूथ किट हमारे पास आई है, माइक और इको, तो चलिए फ्रेंड इस बारे में आपको लगाना नहीं पड़ेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ब्लूटूथ है, माइक है, एक क्लोजर है, AUX है, तो यहाँ रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है और ये माइक का ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे माइक आपको दिया हुआ फ्रेंड। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो मेमोरी कार्ड में, यहाँ पे माइक से गाना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, माइक का जो है वायर का कनेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे एक रोटरी स्विच है, जो कि वॉल्यूम कम बेसी करने का और मोड चेंज करने का एक स्विच भी दिया हुआ है, और नहीं लगाने से भी काम चलेगा फ्रेंड रिमोट और बटन से। तो यहाँ पर स्विच का कनेक्शन है और फ्रेंड ये किट बहुत ही मस्त और बहुत ही मस्त क्वालिटी का है और ये निहार कंपनी का किट है फ्रेंड। अगर एक किट आपको और अगर किसी को भी चाहिए तो मैं आपको भिजवा सकता हूँ ऑनलाइन, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगी फ्रेंड। इसलिए फ्रेंड इस निहार वाले किट को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं ये किट की अनबॉक्सिंग वीडियो। ये किट आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी फ्रेंड, ऑनलाइन में दूसरा कंपनी का भले मिल सकती है, बट हमारे पास जो निहार कंपनी का है ये हमारे पास बहुत ही मस्त है। यहाँ पे इको लिख के दिया हुआ, जो कि माइक के साथ इको को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सिंपल माइक आपको यूज करना है तो सिंपल किट भी आपको मिल जाएगा, जिसमें इको मिक्स रहेगा फ्रेंड, तो वाला भी किट है जो कि लो प्राइस में आपको मिल जाएगा फ्रेंड। 280 रुपये के आसपास वो पड़ेगा फ्रेंड और ये 400-500 के आसपास ये वाला किट पड़ेगी फ्रेंड। अगर आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके मुझसे व्हाट्सएप में चैट करें। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है एक रोटरी स्विच का कनेक्शन यहाँ पर दी हुई फ्रेंड, उसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाने से कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे माइक वाले दिया हुआ फ्रेंड, माइक का जो ग्राउंड GND और बाकी दो पिन जो है, ये दो पिन को शॉर्ट करना है तभी जाके आपका माइक ऑन होगा। वहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं या माइक का जो सॉकेट है उसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, उससे भी आप इसमें काम कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे दो पिन को शॉर्ट कर देंगे जल्दी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर रोटरी स्विच को लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर रोटरी स्विच में 5 तार है, 3 और 2 तार है मोड स्विच का और 3 वायर है वॉल्यूम का। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे पहले ग्राउंड पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि बीच वाली पॉइंट है। तो चलिए फ्रेंड, हमने बीच वाली पॉइंट में कनेक्ट कर लिया और 2 तार जिस तरफ है उस तरफ कोई भी एक पॉइंट में कनेक्ट कर लेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, कोई एक पॉइंट में कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और हमारा फ्रेंड ग्राउंड पॉइंट कनेक्ट हो चुका है। जो ग्राउंड है, ग्राउंड में कहीं पर भी दे सकते हैं, फिलहाल में ग्राउंड इस जगह पे लगाते हैं, ग्राउंड जहाँ पे GND ग्राउंड। तो मैंने ग्राउंड वाली पॉइंट में लगा दिया हूँ फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड, 2 वायर और है, 2 वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। लेफ्ट माइनस और प्लस वॉल्यूम का बटन को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। तो ये 2 पॉइंट है जो कि वॉल्यूम को अप और डाउन करेगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है कनेक्शन हो चुका है और ये 2 पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सिंपल सा, मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्ट करके। एक वायर और जोड़ लेते हैं फ्रेंड, जो कि एक मोड स्विच का पॉइंट है फ्रेंड। ये रोटरी स्विच किसी भी ब्लूटूथ किट में लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे इजीली इसका कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक तो पॉइंट निकाल के दिए हुए बोर्ड में, इसलिए मैं इसमें स्विच लगा रहा ताकि बड़ा मस्त और अच्छे दिखेगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे इन सारे पॉइंट में खोज के आपको जोड़ना होगा फ्रेंड आपका जो पॉइंट है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में मैंने जोड़ रहा हूँ फ्रेंड, एक हमारा जुड़ गया
और एक ये पॉइंट में सेकंड नंबर पॉइंट में, और एक पॉइंट जो लास्ट बच गई उसको बीच वाले पॉइंट में जोड़ देना फ्रेंड, जिससे मोड स्विच का आपका काम करेगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है कनेक्शन कुछ इस तरीके से हो चुका है, और कनेक्शन को ध्यान से देख लें फ्रेंड, कुछ इसी तरीके से कनेक्शन करनी है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा जो है कनेक्शन हो चुका है, और मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा और वॉल्यूम का चेंज करके भी दिखाऊंगा। माइक टेस्ट आपको इसका देखना है तो हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी जाके मैं आपको इसका माइक टेस्ट आपको दिखा पाऊंगा। फिलहाल माइक टेस्ट हमारे पास अभी नहीं है, जो भी थोड़ा क्लोजर का ये है, यह क्लोजर है जो माइक के लिए 16 बीट तक आप एक क्लोजर को एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये माइक का बहुत ही मस्त वाली फंक्शन इससे ब्लूटूथ किट में दिया हुआ, कराके भी कर सकते हैं गाना का साथ, इसमें माइक काम करेगी फ्रेंड, गाना भी बजेगा माइक भी चलेगी, और जो नॉर्मल ब्लूटूथ किट है उसमें सिर्फ माइक काम करेगी, तो भी है हमारे पास अवेलेबल, और ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको जो चाहिए दोनों मिल जाएगी फ्रेंड। ओल्ड वाली मॉडल में माइक का फंक्शन नहीं आता है, लेकिन अभी नया मॉडल में जो आई है ब्लूटूथ किट, उसमें सारे फंक्शन आपको मिल जाएगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे माइक वाली पॉइंट को कनेक्ट करते हैं दो वायर को शॉर्ट करके। तो यहाँ पे तीन वाली वायर पॉइंट दिया हुआ, दो वायर को इजीली हम यहाँ पे शॉर्ट करके कनेक्ट कर लेंगे इसी वायर से। यहाँ पे माइक का पॉइंट में कनेक्ट करते हैं फ्रेंड, दो वायर को मैंने शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं पॉजिटिव का पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है माइक कनेक्ट हो चुका है, और मैं आपको नॉर्मली माइक लगा के दिखा चुका हूँ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे ऑडियो आउटपुट का कनेक्शन है, जो कि ऑडियो आउटपुट आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।